भिवानी शहर की नगर परिषद से जुड़ी समस्याओं को अब विभिन्न वार्डों में ही जाकर नगर परिषद सुलझाएगा। इसके लिए नगर परिषद ने नगर परिषद आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत गलियों की सफाई, स्ट्रीट लाइट, जन्म प्रमाण पत्र, प्रॉपर्टी आईडी जैसी समस्याओं को नगर परिषद अधिकारियों की टीम के माध्यम से खुले दरबार में निपटाएगी। ये बात भिवानी नगर परिषद के चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप ने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बोलते हुए कहे। इस मौके पर नगर परिषद चेयरमैन ने कहा कि भिवानी शहर के विकास के लिए पूरे शहर में बिजली की नई लाइनें बिछाने के साथ साथ स्वचालित लाइटों को चलाने में बंद करने की तकनीक से युक्त पैनल बोर्ड की व्यवस्था हर वार्ड में की जा रही है। इसके साथ ही प्रत्येक लाइट की नंबरिंग भी की जाएगी ताकि कोई भी लाइट यदि खराब होती है तो उसकी पहचान तुरंत की जा सके। चेयरपर्सन प्रतिनिधि ने कहा कि भिवानी शहर के सौंदर्यीकरण के लिए अशोका रोड को बीटीएम चौक तक, घंटाघर से सराय चौपटा तक के माल रोड सहित एक दर्जन के करीब शहर के मुख्य मार्गों पर नया फुटपाथ बनाया जाएगा। वहीं भिवानी शहर को चार जोन में बांटकर उसकी सफाई का कार्य शुरू किया जाएगा। नगर परिषद द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि हर घर के सामने से मोबाइल कचरा गाड़ियों के माध्यम से कूड़े का उठान किया जा रहा है। हर वार्ड में सफाई की व्यवस्था के लिए सफाई कर्मचारियों को नए सिरे से उनकी ड्यूटियां बढ़ने के साथ ही उनके कार्य का निर्धारण किया गया है ताकि शहर में कचरे का उचित प्रबंधन कर शहर को सुंदर बनाया जा सके। सरकार से बताया किस प्रकार से हम शहर को सुंदरता की तरफ लेकर जाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी सभी पार्षद साथियों के साथ में हमने कई प्रस्ताव ऐसे पास भी किए हैं कि योजनाएं बनाई हैं। कई जगहों को कचरा जहां डलता है उन्हें अनावश्यक पॉइंटों खत्म करके कैसे उनको ब्यूटिफिकेशन उनका किया जाए, इस प्रकार की हमारी योजनाएं हैं। लाइटिंग के लिए हमने आपको बताया कि इस प्रकार से हम पूरे शहर के अंदर स्ट्रीट लाइट की तार नहीं खिंचवा करके स्वचालित पैनल बोर्ड लगा करके ताकि अपने आप वो लाइटें खुल जाएं, अपने आप लाइटें वे सुबह स्विच ऑफ हो जाएं, स्विच ऑन और ऑफ स्वचालित हो जाएं, इस प्रकार की हमारी व्यवस्था है ताकि पूरे शहर के अंदर जितनी हमारी लाइटें वार्ड वाइज हम लाइटों की गिनती करवा करके उनके नंबरिंग हम कराएंगे, उनके पॉइंटों के ऊपर उनका नंबर लिखवाएंगे ताकि किसी को भी कोई लाइट की कोई शिकायत हो तो नंबर बताने से ही वो लाइट लोकेट हो जाएगी कि ये लाइट ख़राब है। और ब्यूटिफिकेशन के लिए हमने कुछ एक रास्ते, कुछ एक रोड हमने योजना बनाई है जिनके अंदर अच्छे अच्छे पेड़ पौधे की ग्रीनरी करके, अच्छी लाइटिंग करके सुंदरता बढ़ सके शहर की। और सफाई को लेकर के हमने आपको बताया कि सर्कुलर रोड से बाहर जितना भी हमारा शहर है उसको चार भागों में बांट करके, चार जोन में बांट करके हम सफाई की टेंडर लगा रहे हैं जिसका एस्टिमेट बन के तैयार हो गए हैं और हेड ऑफिस से जैसे ही उनकी अनुमति मिलती है उनको भी हम लागू कर देंगे। लेकिन उसके अंदर हमारा, मैं इसमें एक सुझाव देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कूड़ा पॉइंट तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हमारे अंदर जागरूकता हो तो सभी दुकानदार भाइयों से और सब भाई मकान मालिकों से मैं एक विनती करता हूँ, इस बाइट को जो भी देखे वो भाई आज से ही कूड़ा रोड पर फेंकना बंद करें, अपना डस्टबिन खरीदें और 24 घंटे का कूड़ा अपने घर में रखें। आपके पास चौक भी है, आपके जैसे खासकर मैं हॉस्पिटलों में देखता हूँ डेली उनकी जो स्वीपर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वो बड़े बड़े ड्राम लेकर डालती हैं। जब उनके पास 24 घंटे का एक ड्राम खरीदा हुआ है तो आप वेट करिए, आपके द्वार पे गाड़ी आती है रोज़ाना नगर परिषद की, और उस नगर परिषद की गाड़ी में डालोगे तो आपको इन पॉइंटों की ज़रूरत नहीं होगी, आपके सफाई कर्मचारियों की भी इतनी ज़रूरत नहीं होगी, आपके ऊपर बेमतलब का बोझ नहीं पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं सभी नगरवासियों को फिर दोबारा से कहना चाहता हूँ कि पॉइंट डस्टबिन रखिए और गाड़ी का इंतज़ार कीजिए। गाड़ी नहीं आती है तो आपको ऐप दे रखे हैं, टेलीफोन नंबर दे रखे हैं, नगर परिषद के चेयरमैन को और अपने MC को कहिए गाड़ी आएगी, दो घंटे लेट आ जाएगी कोई बात नहीं, आप कूड़ा दो दिन का भी हो जाए कोई दिक्कत ना मानिए, लेकिन पॉइंट बना जाइए, मत बखेरिए कूड़ा। और ये सर्कुलर रोड पर जितने भी हॉस्पिटल बने हुए हैं, खासकर मैं डॉक्टर महोदय से मैं कहना चाहूँगा कि आज से ये इस बात को लागू करें कि कूड़ा फेंकने की बजाय गाड़ी में डलवाएं। नंबर दो,